गाइस हियर इट इज द मेटियोर 350 BS6। इसका मैं आज कर रहा हूं सिटी राइड। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक। ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे, सीधा शुरू करेंगे इसको बाइक को। एंड स्टार्ट करना काफ़ी मतलब नाइस सी डिज़ाइन है ये। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड हियर इज द सिटी फुल ऑफ ट्रैफिक। सो लेट मी टेक इट आउट। वाओ मैन, सच बता दो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है यार ये। आई फेल इन लव विद दिस मोटरसाइकिल, मतलब जैसे ही मैंने इस बाइक को राइड किया मतलब लिटरली आई फेल इन लव विद दिस वन। इट्स काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल सी बाइक है यार ये, क्या बताऊँ मैं आपको। सिटी में चला रहा हूँ, काफ़ी कूल लग रहा है, मतलब आप यू टेक इट एनी वेयर यू विल फाइंड यू विल फॉल इन लव विद दिस बाइक। सो दैट इज़ हाउ कूल दिस बाइक इज़। एंड मतलब लगता है काफ़ी प्रीमियम से लगता है, काफ़ी बढ़िया बाइक लगता है आपको। लुक्स बिग, लुक्स ह्यूज एंड ऑफकोर्स लुक्स प्रीमियम। सो द क्वेश्चन देयर वर आस्क्ड टू मी वेयर लाइक यू नो, अगर आपकी हाइट 5'3" 5'4" है, कैन यू राइड दिस बाइक? वेल यू कैन ईजिली राइड दिस बाइक। आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप आराम से आपके पैर जो होते हैं उसको ग्राउंड कर सकते हो। एंड एक आप इस बाइक की मतलब खासियत आपको बताता हूँ, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी बड़ा है, बट साथ में गाड़ी का सीट हाइट जो है वो छोटा है। सो हियर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आपको कोई ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ता है ग्राउंड क्लियरेंस के लिए या सीट हाइट के लिए। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ लवली एंड इनक्रेडिबल इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड यार द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस ऑन दिस बाइक इज़ देयर आर नो वाइब्रेशन एट ऑल यार, मतलब दिस इज़ द न्यू जनरेशन आरी, मैं बोल सकता हूँ। आरी में वाइब्रेशन पहले थे, अभी कुछ भी नहीं है। मतलब ट्विंस में कुछ नहीं था, हिमालयन में ऑलमोस्ट ख़त्म था, एंड इसमें तो भाई क्या ज़बरदस्त बाइक है यार ये, क्या डिज़ाइन किया गया है इस बाइक को। यू फील एंड यू फॉल इन लव विद दिस बाइक इज़ व्हाट आई कैन से। एंड ये बात करते हैं, हम लोग चलते हैं सिटी के अंदर, देखते हैं क्या पब्लिक की रिएक्शन कुछ है, क्या लोग मुझे पूछेंगे, या बाइक ये ऐसी है कि सुमड़ी में घुस जाती है, मतलब लोगों को खूबसूरत भी लगता है लेकिन पूछेंगे भी नहीं। सो ऐसी चीज़ है क्या, देखते हैं। सो द फॉर्म फैक्टर इज़ बिग एंड द फॉर्म फैक्टर इज़ कूल। द पॉइंट हियर इज़ दैट कि इसका थंप जो है काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं है, सो बिकॉज ऑफ विच ऐसा हो सकता है कि अगर आपको नोटिसेबल ज़्यादा होना है तो उतना नोटिसेबल आप नहीं करेंगे। बट पॉइंट ये है कि आरी में आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ एग्जॉस्ट आपको मिल जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली रिमेन विद द स्टॉक एग्जॉस्ट, यू कैन एक्चुअली अपग्रेड एंड यू कैन गो टू अ गुड साउंडिंग एग्जॉस्ट इज़ व्हाट आई कैन से, अगर आपको थंप ज़्यादा आपको साउंड चाहिए इसका। एंड अभी मैं ट्रैफिक में ही हूँ, कब से ट्रैफिक में ही जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द क्राउडेड रोड्स इन पुणे, दिस इज़ कॉल्ड एज JM रोड। Very very easy to maneuver around here in the traffic at least. Wow, I can speed up, I can brake. The brakes are great, I can say. काफ़ी बढ़िया ब्रेक मारती है, मतलब bite is great on the bike. And rear brake मुझे check करना है, oh it's good. But front brake काफ़ी bitey है, मस्त dive in मार रही है यहाँ पे. And suspensions have been tuned very well, ताकि आपको जो खड्डे वड्डे होते हैं वहाँ से थोड़ा बचाने के लिए आपको अच्छा खासा ट्यून किया गया है. एंड यार सिटी में तो यार ट्रैफिक में काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है मुझे चलाने के लिए, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट प्रॉब्ली इफ इट्स अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, अगर आप बैंगलोर जैसे रोड में आप जाएंगे तो गाड़ी हीटअप हो सकती है, कि मुझे वही चेक करना है कि कितना गाड़ी हीटअप हो जाती है, मुझे ये चेक करना है कि क्या गाड़ी हीटअप हो जाती है, दैट इज़ वन थिंग। बिकॉज इसमें आपको मिलता है एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन, तो ऑयल कूलर आपको इसमें मिल जाती है, तो जैसे ही गाड़ी हीटअप हो जाती है ऑयल कूलर कम्स इन टू प्ले एंड उसको मतलब इट स्टार्ट्स यू नो to help you out with respect to the bike getting cooler, मतलब engine getting cooler. So one thing which I think is कि गाड़ी का जो mirror है यहाँ पर, अगर आपको rectangular mirror मिल जाता तो थोड़ा और more like you know icing on top of cake हो जाता, you can actually you know aftermarket आप लगवा सकते हो अगर आपको चाहिए तो, but again you know it is pretty fine when you look at the blind spots here in the city at least, because city ही एक जगह है जहाँ पर आपको blind spots की ज़रूरत पड़ जाती है। आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी कम्फर्टेबल, गेयर शिफ्टिंग में कुछ दिक्कत नहीं लग रही मुझे सिटी में एटलीस्ट। इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू शिफ्ट द गेयर्स इन द सिटी, मतलब तुरंत आप शिफ्ट कर पाते हो गेयर को। एंड क्लच इज ऑन द राइट साइड, गेयर बॉक्स इज ऑन द राइट साइड, वेरी वेरी सॉफ्ट शिफ्ट एंड काफ़ी आपको मज़ा मिल जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई देर इज सो मच ऑफ क्राउड ऑन दिस रोड हियर, तो पूछो तो एनी वेज लेट्स गो इन साइड। एंड बस ईजी टू हैंडल यार, मतलब 191 kgs जो आपको लगता है कि काफ़ी हैवी है, बट वेन यू सिट ऑन द बाइक
आपको लगता है कि काफ़ी इजी टू हैंडल है, काफ़ी इजी टू मैनेज है, एंड साथ में मतलब मैनोवरेबिलिटी भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। आई वॉज थिंकिंग कि अगर मतलब यू नो 191 kg की बाइक है तो सिटी में जो छोटे छोटे ऐसे कोने होते हैं यहाँ पे घुस जाते हैं कि मुझे वो दिखते हैं। ओह नाइस, तो यहाँ पे भी थोड़ा घुसा के रखता हूँ मैं, इधर भी। तेरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी लंबा बीच वैसे इसका, नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। लुक एट द वे आई एम स्टैंडिंग हियर, ऐसे मतलब सुमड़ी में घुस के स्टैंड हुआ हूँ, लेकिन लेट्स सी कि कैसी ये निकलती है बाइक। ओह नाइस यार, आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइकिंग दिस बाइक टू द कोर। एटलीस्ट अभी रेटिंग पे चलते हैं हम लोग। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी पे एक छोटा सा रेटिंग भी दे देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ द क्लच एंड गियर इट इज़ अ 10/10, एंड इन टर्म्स ऑफ कम्फर्टेबिलिटी टू मैनूवर दिस बाइक इट इज़ अगेन 10/10। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डज द इंजन हीट, मतलब अभी तक तो मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, लास्ट 15 मिनट से ट्रैफिक में हूँ। थोड़ा आप लोग देख सकते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ये, बट इसमें मुझे गाड़ी उतना गर्म नहीं हो रही है। बट यस, थोड़ा थोड़ा सा आपको हॉट एयर का फीलिंग आता है, बट पॉइंट ये है कि ज़्यादा गाड़ी गर्म नहीं हो रही है अभी। एंड पर्पसली मैंने अंदर सॉक्स नहीं पहना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ताकि मुझे जो भी गर्मी होती है वो पैर पे लग जाए, सोच के मैंने पर्पसली सॉक्स नहीं पहना है। तो फिर भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं लग रही है। आई एम फाइंडिंग इट वेरी गुड एंड वेरी कूल। एंड हैविंग सेड दैट, दिस इज़ FC रोड ऑफ पुणे, दैट इज़ फर्गुसन कॉलेज रोड, जो लेफ्ट साइड पर आपको दिखती है, जो कॉलेज है आगे जाके दिख जाती है आपको। एंड यहाँ पे आप आके बहुत कुछ चीज़ें खा सकते हो, एंड मार्केट लुक्स गुड। मैं यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं आया था, मतलब कोविड के जैसे नहीं आया था, बट लोग तो मस्त घूम रहे हैं यार, ये मैंने देखा नहीं था। सो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, यू कैन सी द वे इट्स पिकिंग अप। थर्ड गियर पे हूँ मैं अभी, लेट मी ट्राई डूइंग दैट इन द फिफ्थ गियर, बिकॉज फिफ्थ गियर पे देखते कि गाड़ी क्या नॉक करती है इंजन, बिकॉज वी आर इन द सिटी, तो सिटी में आपका ओ नाइस, क्या ब्रेक मारती है यार ये। चलो ऑफ करते हैं गाड़ी को। सो आई कैन लिटरली टच माई फीट ऑन द ग्राउंड वेरी कम्फर्टेबली ओवर हियर, एंड लेट्स स्टार्ट। सर जी अभी सिग्नल खुला नहीं है, बट दैट्स द प्रीवियस जनरेशन थंडरबर्ड ओवर हियर, एंड हियर इज द न्यू वन। व्हाट्स द डिफरेंट, व्हाट्स द डिफरेंस, दिस लुक्स वे वे बिगर देन दैट ऑफ द Thunderbird 350. This looks huge. Easy man, easy peasy. Wow, the horn is super loud. City में तो loud लगती है आपको ये, because helmet के अंदर भी loud लग रही है, तो बाहर तो और भी loud है ये। जो मिट्टी और जो है, जैसे अंतरिक्ष से एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब घुस जाती है अर्थ गेट, वो घुसने से पहले वो मतलब अपने आप मतलब राख हो जाती है। जस्ट लाइक दैट ये जो बाइक है ये परफॉर्मर है, मतलब आपको एक बढ़िया सा फीलिंग देता है जैसे आप राइड करेंगे, बट जैसे लोगों के सामने जाती है, लोगों के सामने से मतलब ये निकल जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मिट्टी और आई थी यहाँ पे, एंड दैट इज़ हाउ लो प्रोफाइल इट कीप्स इटसेल्फ टू, लेकिन इट परफॉर्म्स। सो अगर आपको परफॉर्मर चाहिए, यू वांट टू टेक इट आउट ऑन ऑलमोस्ट एवरी, मतलब अगर आपको हाईवे में जाना है, आपको ज़्यादा स्पीति करना है, आपको सिटी में घुमाना है, आपको पीछे जो आपके गर्लफ्रेंड होते हैं, वाइफ होती है, पेरेंट्स होते हैं, उनको कंफर्टेबली बिठाना है, देन नियर इज दैट बाइक मैन, यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ दिस बाइक बिकॉज इट इज डैम फ्रीकिंग कंफर्टेबल। और हेडलाइट इज ग्रेट मैन, काफी जबरदस्त थ्रो है इसका हेडलाइट का।